हे गाइस, आज मैं आप लोग के साथ चिकन की रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये चिकन का जो रेसिपी है एकदम देसी स्टाइल विलेज स्टाइल में ही मैं बना रही हूँ। और मैं ज़्यादा मसाला मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगी, मैं कुछ खड़ा मसाला और कुछ अदरक लहसुन का पेस्ट। आप देखिए पूरा वीडियो को, ठीक है? लेकिन बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुआ था। और संडे है और चिकन बहुत लोगों को पसंद है, सो देखिए वेलकम बैक टू माई चैनल। तो यहाँ पर देखिए मैं चिकन यहाँ पर मैं अच्छे से इसे मैं धो ली थी। और इसे धोने के बाद मैं मैरिनेट नहीं कर रही हूँ, मैं एक ही बार ही बनाऊँगी, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैं यहाँ पे सरसों तेल में ऐड की थी, तेल गर्म हो चुका था। तो अभी हम चिकन को यहाँ पे मैं 6 से 7 मिनट के लिए चिकन को मैं फ्राई करूँगी, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं हम चिकन को फ्राई कर देंगे। इससे पहले भी मेरे चैनल में आपको चिकन का रेसिपी मिल जाएगा, 2 या 3 बार मैं ऐड वीडियो डाल चुकी हूँ। आप लोग को जिसको भी देखना है आप लोग मेरा वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं हर टाइम में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का मैं चिकन का रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये वाला चिकन का रेसिपी भी आप लोग देखिए और घर पर आप लोग बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही जल्दी बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 2-3 मिनट हम चिकन को अच्छी तरह से भुने थे। तो अभी मैं यहाँ पे हल्का सा नमक हम लोग ऐड करेंगे। आप लोग चाहे तो नमक को स्किप कर सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी पाउडर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और ये दोनों ही चीज़ ऐड कर देने के बाद इसे मैं बोली थी ना 6 या 7 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई कर दूँगी, ठीक है? तो आप लोग इसे गैस को मीडियम टू हाई में रखिएगा और इसे 6 से 7 मिनट के लिए हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करने से क्या होता है ना, बाद में जब चिकन हम लोग बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 6 से 7 मिनट हो चुके थे और चिकन जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो अभी हम लोग इसे निकाल लेंगे, निकाल लेने के बाद हम लोग चिकन का ग्रेवी बनाएंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं चिकन को यहाँ पर मैं एक ही बार ही सारा चिकन को फ्राई कर ली थी, ठीक है? आप लोग का आपको क्वांटिटी के हिसाब से, अगर आप लोग के पास ज़्यादा है तो आप लोग 2-3 बार करके आप लोग फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सारा चिकन को अभी हम निकाल लेंगे एक प्लेट पे। इसके बाद देखिए उसी कढ़ाई में मैं तेल दी थी, यहाँ पे जीरा, धनिया और दालचीनी और यहाँ पे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, एक तेज़पत्ता, यहाँ पे लौंग, यहाँ पे मैं सारा खड़ा मसाला, आपके पास सारा खड़ा मसाला है आप उसी मसाला को आप लोग ऐड कर दीजिएगा। एक ही बार ऐड कर देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? इसके बाद मैं यहाँ पे 2 सूखी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो इसका क्वांटिटी ज़्यादा या कम आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जो भी नॉनवेज बनाते हैं थोड़ा सा तीखा होने से खाने में टेस्टी होता है, लेकिन अगर बच्चे हैं तो आप लोग कम कर सकते हैं। इसके बाद प्याज यहाँ पर मैं 4 मीडियम साइज का प्याज को कट करके रखी थी, इसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। आप लोग जब भी नॉनवेज बनाते हैं तो मैं बार बार आप लोग को बोलती हूँ कि नॉनवेज में थोड़ा सा प्याज अगर क्वांटिटी ज़्यादा होता है तो नॉनवेज का टेस्ट जो है और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे मैं 4 चिल्ली ग्रीन चिल्ली यहाँ पर मैं दे रही हूँ, 2 सूखी मिर्च मैं ऐड की थी, इसके बाद मैं 4 यहाँ पर ग्रीन चिल्ली ऐड कर रही हूँ। इसे ऐड कर देने के बाद इसे आप लोग अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा। जैसे ही देखिए यहाँ पे प्याज मैं, और एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा, जब भी मैं नॉनवेज बनाती हूँ प्याज को मैं पूरा फ्राई नहीं करती, ठीक है? देखिए यहाँ पे आधा ही फ्राई की थी। इसके बाद अदरक लहसुन इसे भी हम कूट के डाल रहे हैं। कूट के डालने से इसका स्वाद जो है ना और थोड़ा बहुत अच्छा आता है, ठीक है? तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, जब भी नॉनवेज बनाते हैं आप लोग अदरक और लहसुन को इस तरह से कूट के आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है? और मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो अदरक और लहसुन ऐड कर देने के बाद इसे भी 2 से 3 मिनट, देखिए यहाँ पे 2 से 3 मिनट हम लोग भून चुके हैं। अदरक और लहसुन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हम लोग भून चुके हैं। तो इस वक्त मैं यहाँ पे मसाला ऐड करूँगी। तो मसाला में यहाँ पे मैं ज़्यादा मसाला नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं हल्दी का पाउडर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, इसके बाद रेड चिल्ली का पाउडर, इसके बाद यहाँ पे चिकन मसाला, बस हो गया ही ना, बहुत मसाला नहीं डालना है। इतनी ही मसाला में आपका जो चिकन है बहुत ही अच्छा बन के तैयार आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मसाला ऐड करने के बाद जो मसाला का पानी थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसे ऐड कर देने के बाद इसे भी 1-2 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा सा भूनेंगे। मसाला जैसे ही हमारा भून जाएगा देन हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो चुकी थी, मसाला बहुत अच्छे से यहाँ पे भून चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ पे टमाटर का प्योरी यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड कर देने के बाद इसे हम लोग अच्छे से एक बार मिला लेंगे। मिला लेने के बाद मैं यहाँ पर
अभी नमक ऐड करूँगी। ठीक है, नमक हम लोग जब हम लोग चिकन फ्राई किए थे उस टाइम में हल्का सा हम लोग ऐड किए थे, तो इस वक्त हम लोग अभी और थोड़ा सा नमक हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसे ऐड करने के बाद इसे हम लोग थोड़ा सा चला लेंगे। देखिए हम लोग का मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं 1 से 2 मिनट के लिए मसाला को मैं और एक बार अच्छे से भून ली। अच्छे से भून लेने के बाद अभी हम यहाँ पे चिकन जो फ्राई करके रखे थे इसे हम लोग ऐड कर देंगे। चिकन को ऐड करने के बाद इसे मसाला के साथ हम लोग इसे मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए थोड़ा भूनूंगी। ठीक है, गैस को लो टू मीडियम में रख के चिकन को 5 से 6 मिनट के भूनेंगे। इसके बाद ही हम लोग यहाँ पे हल्का सा पानी ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चिकन को मैं 5 से 6 मिनट के लिए ढक के मैं यहाँ पे पका लूँगी। तो यहाँ पे देखिए चिकन जो है यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके थे और चिकन जो है अच्छे से हम मसाला के साथ एकदम मिल चुका है। तो इसे हम लोग अभी अच्छे से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद थोड़ा सा हम लोग ग्रेवी रख रही हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं हल्का सा पानी यहाँ पे ऐड कर देंगे। आप लोग चाहे तो आप लोग अगर पानी ऐड नहीं करना चाहते हैं, आप लोग को सूखा खाना है, तो आप लोग बिना पानी देके भी इस तरह से भुनने के बाद आप लोग उसे सर्व करके खा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं हल्का सा पानी ऐड की, हल्का सा पानी ऐड कर देने के बाद इसे हम लोग 4 से 5 मिनट के लिए गैस को मीडियम टू हाई में रख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके थे और चिकन जो है हमारा मतलब ऑलमोस्ट बन के तैयार है। तो है ना मज़ेदार, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है चिकन बनाने के लिए, खाने में भी टेस्टी है। आप लोग चाहे तो इसे नान के साथ, रोटी के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो लास्ट में मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा गर्म मसाला यहाँ पे मैं ऐड कर दी। इसे चाहो तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गरम मसाला ऐड करने के बाद इसे हम लोग एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चिकन बिल्कुल बनके तैयार है। देखिए गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं फिर से 1 से 2 मिनट के लिए मैं गैस में ही छोड़ दी थी, तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और अभी चिकन हमारा बनके तैयार है। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैं सर्व कर रही हूँ, तो है ना बड़े मज़ेदार। तो आप लोग चाहे तो इसे चावल या रोटी या नान के साथ आप लोग खा सकते हैं। और संडे हो और ज़्यादातर लोग के घर में नॉनवेज बनती ही बनती है। आप लोग के घर में क्या बना था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रोसेस में आप लोग चिकन बनाइए और कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जो भी मेरे चैनल में नए आते हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपना फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स किसी को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे खूब सारा प्यार दीजिए, और जो भी रेसिपी आप लोगों को चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।